हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने गाड़ियों की, अपने कार की, अपनी बस की, जिसके घर में जो भी व्हीकल्स हैं, उसके टायर की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रॉपर केयर कैसे रख सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो टायर्स है गाड़ियों की, उसकी लाइफ अच्छी होगी, लाइफ लंबी जाएगी और हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे बार बार। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले जो हमारी टायर्स हैं, हमने जनरली देखा है दोस्तों कि गाड़ियों में टायर्स एक बहुत बड़ा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है। हमें गाड़ियों के टायर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगाने पड़ते हैं, और वो इस वजह से लगाने पड़ते हैं कि एक तो सर्टेन टाइम के बाद टायर की लाइफ पूरी होगी, दूसरा ये होता है कि हमने उसकी प्रॉपर केयर नहीं करी, और उस प्रॉपर केयर को नहीं करने की वजह से दोस्तों ऐसा होता है कि टायर की लाइफ कम होती है, कम हो जाती है, और हमें पैसे पे करके नए टायर दोबारा से लगाना पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी टायर्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, टायर की जो प्रेशर है। दोस्तों, हम सभी लोग अनअवेयर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अनअवेयर होते हैं, स्पेशली जो नए ड्राइवर्स हैं जिसके पास नई गाड़ियां हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है दोस्तों कि अपनी कार में, अपनी बाइक में, अपने बस में, अपने ट्रक में किस टायर में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टायर प्रेशर होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें तो हर एक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जहाँ जिस ब्रांड की आपने गाड़ी का खरीदी है, वो जो जिस टायर्स को उसने इंस्टॉल किया, उसमें मेंशन होता है दोस्तों कि आपको एक पार्टिकुलर टायर प्रेशर मेंटेन करके रखने हैं। बाइक के केस में बात करें दोस्तों, तो 20 PSI से लेकर 30 PSI 35 PSI तक के टायर प्रेशर मेंटेन करने होते हैं। हेवी कमर्शियल व्हीकल के केस में दोस्तों, अगर हम बात करें तो 120 से लेकर 150 तक की PSI के टायर प्रेशर मेंटेन करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस अप्रोप्रिएट टायर रेंज में हम रखें टायर प्रेशर को, तो ऑब्वियसली हमें दो फायदे हैं दोस्तों। पहला कि आपकी टायर की लाइफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अप्रोप्रिएट आपने प्रेशर, इन्फ्लेशन प्रेशर डाल रखा है। दूसरा, उससे फ्यूल माइलेज पे भी इफेक्ट आता है दोस्तों। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर प्रॉपर अगर आप इन्फ्लेशन रखते हो टायर के अंदर, तो आपका फ्यूल माइलेज भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आप हमेशा वीक में एक बार कम से कम अपने बाइक की, अपने कार का टायर प्रेशर जरूर चेक करवाएं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेट रहे और आपकी फ्यूल माइलेज पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, आपकी फ्यूल माइलेज अच्छी जाए। दूसरा जो है दोस्तों, अगर हम बात करें लोडिंग कैपेसिटी की, दोस्तों हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है टायर नॉमनिक्लेचर के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें टायर नॉमनिक्लेचर्स के बारे में हमने डिस्कस किए दोस्तों। उसमें मैंने बताया कि टायर नॉमनिक्लेचर में जो पैरामीटर्स, जो पॉइंट्स नोट किए होते हैं, उससे क्या मीनिंग है और क्या उसके मतलब क्या उसके अकॉर्डिंग टायर का यूज हो सकता है। तो दोस्तों, जब टायर नॉमनिक्लेचर आप देखोगे आप, तो उसमें आपको स्पीड रेटिंग दी होती है और उसकी लोडिंग कैपेसिटी दे रखी होती है, मेंशन की होती है दोस्तों, यानी कि उसकी स्पीड रेटिंग, उस स्पीड से ज्यादा आप गाड़ी को नहीं भगाएं। अगर आप उस स्पीड से ज्यादा गाड़ी को भगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टायर में वियर्स ज्यादा होंगे और वियर्स की वजह से आपके टायर की लाइफ कम होगी, यानी जो ट्रेड बने होते दोस्तों वो ज्यादा घिसेगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक सर्टेन जो स्पीड लिमिट होती है, उसी लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप टायर को रन कराएं। दूसरा, जैसे मैं बताया कि लोडिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे दोस्तों, तो जैसे हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है, जो कि कमर्शियल पर्पज से यूज होने होते हैं, लोडिंग के लिए यूज होने होते हैं, उनके लिए भी दोस्तों उनके टायर नॉमनिक्लेचर में वो मेंशन होता है कि आपको इतने टन की कैपेसिटी पे ही इस टायर को रन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ओवरलोडिंग की वजह से टायर जल्दी घिसती है, ज़्यादा घिस जाती है, और जिसकी वजह से हमें टायर्स जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, टायर की लाइफ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो लोडिंग कैपेसिटी है, स्पीड रेटिंग है, वो नॉमनिक्लेचर में मेंशन होता है दोस्तों, आप उसको देखिए, देख करने के बाद उसी लोड और स्पीड के अकॉर्डिंग ही गाड़ी को, अपनी व्हीकल को यूज करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कि हम अलाइनमेंट की बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं, हम बैलेंसिंग की बात करते हैं दोस्तों। फोर व्हीलर में तीनों चीजें होती हैं, अलाइनमेंट भी होता है दोस्तों, बैलेंसिंग भी होती है और रोटेशन भी होती है दोस्तों। अलाइनमेंट हर एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरर्स जो है
वो एक रिकमेंड करते हैं कि एक सर्टन किलोमीटर पे आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट होनी चाहिए, आपके टायर्स के अलाइनमेंट्स होने चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब सब बहुत सिंपल सा दोस्तों, एक मीनिंग बताऊं, वो बिल्कुल दोनों जो है ये टायर फ्रंट का अगर मान ले तो दोनों एक सर्टन डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, फ्रंट से और रियर से इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। अगर आपका ऐसे ऐसे है, यानी दोस्तों कि आपका टायर जो है प्रॉपर तरीके से अलाइंड नहीं है, और प्रॉपर तरीके से अलाइंड हो नहीं होने की वजह से दोस्तों वो ज्यादा घिसेगा और ग्रेजुअली घिसेगा दोस्तों, और फिर जल्दी से जल्दी टायर को खराब कर देगा, क्योंकि उस अलाइनमेंट के केस में, मिस अलाइनमेंट के केस में दोस्तों बहुत तेजी से टायर घिसती है और टायर की लाइफ को खत्म कर देती है। उसी तरीके से दोस्तों बैलेंसिंग है, आपके टायर की बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से सर्टेन किलोमीटर रनिंग के बाद होनी चाहिए। टायर का रोटेशन भी होना चाहिए दोस्तों। रोटेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो वियर होते हैं दोस्तों, चारों टायर्स में अलग अलग वियर्स होते हैं, तो रोटेशन एक सर्टेन किलोमीटर पे रोटेशन करने के बाद दोस्तों एक फायदा ये होता है कि आपका जो वियर है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है अलग अलग एक्सेल्स पे जाने के बाद। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई टायर आपकी ज्यादा नहीं घिसती है, कोई टायर आपकी टायर कम नहीं घिसती। इससे क्या होता है कि आपको एक साथ चारों टायर आप रिप्लेस करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको अगर अलाइनमेंट है, रोटेशन है, बैलेंसिंग है, तो एक सर्टेन किलोमीटर पे आप जरूर से जरूर आप उसका अलाइनमेंट कराएं, उसका रोटेशन कराएं, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है और इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ड्राइवर्स को पता चल जाता है, आप अगर ड्राइव करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, अगर अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं है आपकी गाड़ी पुल होने लगेगी, आपकी स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई अगर होती है तो आप बीच में भी, यानी अगर किलोमीटर रनिंग नहीं हो रहा है पूरा, मान लो 3,000 या 5,000 किलोमीटर पे आपकी टायर के गाड़ी के अलाइनमेंट होनी है, अगर नहीं हो रहा है उसके पहले ऐसा आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले भी अलाइनमेंट करा सकते हैं दोस्तों। मैकेनिकल सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, टायर में देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा गाड़ी के नीचे चेसिस पे एक सस्पेंशन, सारे सस्पेंशन पार्ट होते हैं। सस्पेंशन का दोस्तों काम उनको एब्जॉर्ब करता है और तब जाकर के टायर को स्मूथली फ्लोट करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके सस्पेंशन सिस्टम सही नहीं होंगे, आपके कॉइल स्प्रिंग सही नहीं होंगे, आपके टाई रॉड एंड सही नहीं होंगे, बॉल जॉइंट सही नहीं होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो दोस्तों जो लोड है व्हीकल का वो डायरेक्टली टायर पे आएगा, यानी जो टायर पे जितना लोड नहीं आना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा टायर लोड पे आएगा, ट्रैक्शन बढ़ेगा दोस्तों, और इससे क्या होगा टायर आपकी ज्यादा घिसेगी। तो दोस्तों आपको टाइम टू टाइम जब भी आप व्हीकल सर्विस के लिए जा रहे हो तो वहां पे ये स्पेशली मेंशन करो, इस पे उसको ध्यान दो, इस पे फोकस करो कि आपके सारे सस्पेंशन के जो पार्ट्स है, मैकेनिकल पार्ट्स है, वो प्रॉपर तरीके से फिट तो है, कहीं किसी का नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, कोई बॉल ज्वाइंट खराब तो नहीं हो गया है, कोई हमारा सस्पेंशन सिस्टम का कोई स्प्रिंग सिस्टम तो डैमेज नहीं हो गया है। अगर कमर्शियल व्हीकल के बात के केस में बात करें तो लीफ स्प्रिंग कहीं टूट तो नहीं गया, सेंटर बोल्ट कहीं ब्रोकन तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान देनी होगी। अगर आप मैकेनिकल मेंटेनेंस पे फोकस करते हो दोस्तों तो डेफिनेटली टायर की लाइफ आपकी बढ़ेगी। और मैं दोस्तों जितना भी पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप फिजिकली वीक में एक बार वेरीफाई करते रहें, गाड़ी के नीचे जाकर, गाड़ी के ऊपर जाकर देखें कि आपके सारे कॉम्पोनेंट्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, अलाइनमेंट नहीं है तो अलाइनमेंट करा रहे हैं। इससे आपकी टायर की लाइफ दोस्तों ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, आप ऐसा करके देखें तो आपकी टायर की लाइफ बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, जो कि हमारे हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है वो चीज, जो कि रोड कंडीशंस की हम बात करें। रोड कंडीशंस में दोस्तों ऐसा होता है कहीं की सरफेस फ्लैट होती है, कहीं सरफेस जो होती है काफी अनइवन होती है रोड की सरफेस, वहां पे रोड कंडीशंस पे भी टायर में कट लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि आप टायर प्रेशर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, ओवर इन्फ्लेट ना करें। ओवर इन्फ्लेशन के केस में, ओवर इन्फ्लेशन यानी दोस्तों कि ज्यादा हवा भर देना। ज्यादा हवा भरने से क्या होगा दोस्तों कि कहीं भी अगर सार पेजेस आती हैं आपके रोड सरफेस के ऊपर तो वो टायर को कटने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, वहीं पर टायर ब्रस्ट हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूं कि टायर का जो इन्फ्लेशन प्रेशर है प्रॉपर अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों ड्राइविंग कंडीशंस। दोस्तों होता क्या है कि हम अवेयर अन अवेयर होते हैं अपनी ड्राइविंग कंडीशन से। हम क्या करते हैं, गाड़ी को हमने चालू किया और सटासट हमने क्या किया, ब्रेक स्पीड बढ़ा दी, ब्रेक गियर रैंडमली हमने चेंज कर दिया। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। गियर रेशियो नाम की भी एक चीज है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको गियर चेंज करने होते हैं। स्पीड को आप धीरे धीरे बढ़ाएं,
ग्रेजुअली स्पीड को ना बढ़ाएं, उससे इसे हम अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एब्यूजिंग ड्राइविंग कंडीशन के केस में आता है। इससे आपको दो नुकसान है दोस्तों, पहला आपके टायर की लाइफ जाएगी, दूसरा आपके फ्यूल माइलेज भी खराब होंगे। तो ये दोस्तों जो अननेसेसरी जो अवॉइडेबल ड्राइविंग कंडीशन, इसको अवॉइड कीजिए। आप जो गियर्स हैं आपके, वो आप स्पीड के अकॉर्डिंग, गियर रेशियो के अकॉर्डिंग ही आप गियर को चेंज करें। आप रैंडमली आप फर्स्ट थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ ना करें गियर को, आप एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद ही गियर को चेंज करें, ताकि आपकी टायर जो है अचानक से घिसे ना, अचानक से तेजी पे ना जाए, अचानक से स्लो ना हो जाए, अचानक से फास्ट ना हो जाए। तो ये सारे चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ दोस्तों, अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को, पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रखा, अपने वीकली ऑब्जर्व किया, तो दोस्तों आपके दो बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एक आपको फ्यूल माइलेज आपका इंप्रूव करेगा, दूसरा दोस्तों आपको आपकी टायर की लाइफ डेफिनेटली इंक्रीज करेगी दोस्तों। तो मेन जो रीजन पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, कमेंट देना। अगर आपको कोई अगर ऐसा पॉइंट्स लगे जो मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और अगर आप मेरे दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।